तो हर महादेव आप सभी को और आप सभी को स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज यहाँ हो रहा है बाबा काल भैरव जी के मंदिर में वार्षिक श्रृंगार। चलिए हम दर्शन करवाते हैं। अगर आप वाराणसी में आते हैं तो बाबा काल भैरव मंदिर दर्शन करना बिल्कुल भी ना भूलिए। दर्शन करना यहाँ बहुत ही लाभकारी साबित होगा आप सभी के लिए। तो चलिए चलते दर्शन करवाते हैं बाबा काल भैरव के आप सभी को। फ्रेंड्स देख रहे हैं कि हम मंदिर के बिल्कुल आगे चल रहे हैं और श्रृंगार आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा बढ़िया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा श्रृंगार हुआ है। और ये हर साल यूं ही श्रृंगार ऐसे ही होता रहता है। वाराणसी के काल भैरव मंदिर में मदिरा से श्रृंगार किया गया। बाबा का भव्य श्रृंगार, अन्नकूट महोत्सव मनाया गया, 56 बार भोग चढ़ाए गए, जैसा कि भी आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि भीड़ कितनी ज़्यादा यहाँ मंदिर के पास है और यहाँ हर साल ऐसे ही श्रृंगार होता है। 25 दिसंबर को क्रिसमस ट्री के दिन भी यहाँ हर साल श्रृंगार यूँ होता है। देख सकते हैं यहाँ मंदिर में कितनी ज़्यादा भीड़ है कि आगे से पीछे तक हर तरफ आपको सिर्फ दर्शनार्थी दिखाई देंगे। हर तरफ बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा। आज काल भैरव मंदिर का वार्षिक श्रृंगार जो हुआ है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। काल भैरव मंदिर है। हाँ जी, काल भैरव यहाँ आगे सामने महाराष्ट्र अकोला जिला से आप आए हो और आप सर साल के हो ये वाराणसी के हैं। वहाँ का बैठक है बैठा है वहाँ का नहीं महाराष्ट्र बोले महाराष्ट्र भाषा जानते हो थोड़ा सा ऐसे पूछ लिया। ही बाबा का अद्भुत श्रृंगार किया गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। आपको हर तरफ जहां तक आपकी निगाह जाएगी वहां तरफ आपको सिर्फ मदिरा ही मदिरा लटकी हुई दिखाई देगी। तो देख सकते हैं पूरा ही पूरा मदिरा से ही श्रृंगार किया गया बाबा काल भैरव के भव्य मंदिर का। जो भी व्यूअर्स मुझे बाहर से देख रहे हैं, ये उनके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा कि वो घर बैठे ही यहाँ का दर्शन कर पा रहे हैं। जहाँ के आने के लोग बहुत तरसते हैं कि काल भैरव मंदिर में ऐसा क्या है कि लोग इतना दूर दूर से आने के लिए जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा सुंदर श्रृंगार यहाँ पर हुआ है। जिनको भी नज़र गुजर की परेशानी होती वह यहाँ आने मात्र से ही ठीक हो जाती है। और यहाँ अन्नकूट का महोत्सव मनाया गया, देख सकते हैं कितनी बढ़िया मछली चढ़ाई गई है बाबा काल भैरव मंदिर में। और ये सिर्फ प्रसाद के रूप में बाद में सबको बांटा भी जाता है। Thank you.
बहुत भाग्यशाली मानती हूँ जो मैं जन्म इस काशी की नगरी में हुआ है, जहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर भी है और बाबा काल भैरव मंदिर तो है ही। तो देख सकते हैं आप सभी कि कितनी अद्भुत बात है जो मैं वीडियो के माध्यम से आप सबको दिखा पाती हूँ कि वाराणसी में कब कहाँ क्या हो रहा है। तो ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक ज़रूर किया करें। सो फ्रेंड्स अभी आप दर्शन कर पा रहे हो बाबा क्षेत्रपाल भैरव का। देखिए बाबा क्षेत्रपाल भैरव हैं, ये सुंदर प्रतिमा कि आप दर्शन कर पा रहे हो। और यही वो रास्ता है जो जाता है दंडपाणि मंदिर के पास। तो देख सकते हैं हम आ चुके हैं बाबा दंडपाणि भैरव के मंदिर। सामने से बिल्कुल कर पा रहे हो, भूल अपराध क्षमा करें हमारी। हाँ हाँ अच्छा, ये पांचों पांडवा हैं। अरे वाह, चलिए भैया दंडपाणि मंदिर में ही पे यही लोग बैठ करके अपना सुमरण कर रहे हैं। यहीं पे है नंदी बाबा भी, बहुत ही शांत मंदिर है ये। और यहाँ हमें मिले हमारे गुरुजी। गुरुजी पार्वती पते हर हर महादेव। टीका लगा दीजिए। ओम त्र्यंबकं जामहे सुगंधपुष्टिपतनं उर्वारुकी वंदनां अमृतो वृक्षिमामृतात्मपुञ्जा रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशा सर्वाय महादेवाय ते नमः। अकाल मृत्यु हरणं सर्वजाति विनाशनं बाबा कृपा करें, मंगल करें, मनोकामना पूर्ण करें, सुख शांति प्रदान करें। उनका टीका लगा है, देख लीजिए आप। अरे बहुत सुंदर टीका लगा है। गुरुजी को साधारण प्रणाम, दक्षिणा तो आपको हम देंगे ही। मृत्युंजय मंदिर में एक धन्वंतरी कूप है जो आरोग्यम जल है और बहुत ब्राह्मण लोग वहाँ पर हमेशा जाप चलता रहता है। और महामृत्युंजय मंदिर बहुत दार्शनिक स्थल है और बड़े बड़े जो है दूर दराज के लोग जो है दर्शनार्थी वहाँ आते हैं। यही महामृत्युंजय की। महाकाल मंदिर में क्या हुआ है, क्या श्रृंगार कैसा क्या हुआ है? महाकाल मंदिर में रुद्राभिषेक हुआ है और जो है बड़े धूमधाम से लोग दर्शनार्थी लोग वहाँ दर्शन पूजन किए हैं। यही महामृत्युंजय में सब कार्यक्रम रोज का चल रहा है और बहुत ब्राह्मणों की बहुत ज़्यादा जो है संख्या और पूजा पाठ हमेशा दर्शनार्थी रुद्राभिषेक हमेशा चलता रहता है।
आज दर्शन करवाए मैंने आपको बाबा काल भैरव के। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। हर हर महादेव। आप सभी को जय श्री शंभु, जय महाकाल। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और इसी के साथ जय महाकाल।